सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो वर्गीकरण हमारे आरक्षण में किया गया है, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। हमारा सारा समाज, बहुजन समाज, वो किसी बिरादरी का लोग हो, वो सब लोग नाराज हैं इस वर्गीकरण से। चाहते हैं कि इन लोगों में फूट पड़े, इनमें संघर्ष हो, इनमें जातीय दंगे हो। और दलित विरोधी सरकार है, लेकिन अब हम इतनी मजबूती में है कि हमारा एक मजबूत सिपाही जो पार्लियामेंट के अंदर है। ये हमारा हक है, अधिकार है, बाबा साहब ने बहुत कुर्बानी दी है इसे हम तक पहुंचाने के लिए, और हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और आज का जो प्रदर्शन है हमारा, ये माननीय बहन जी के आदेश पे इस भारत बंद को समर्थन में हम यहाँ लोग आए हैं समर्थन करने के लिए इस भारत बंद को। और जो वर्गीकरण हमारे आरक्षण में किया गया है, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। हमारा सारा समाज, बहुजन समाज, वो किसी बिरादरी का लोग हो, वो सब लोग नाराज हैं इस वर्गीकरण से। हम चाहते हैं कि वापसी लिया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि इसके साथ दोबारा छेड़छाड़ ना हो। स्थिति यह है कि माननीय संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज को उस पर समीक्षा करने का, उसमें कोई निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। ये महामहिम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने केवल ये अधिकार संसद पार्लियामेंट को दिया है या राष्ट्रपति को दिया है। लेकिन यहाँ एक ही जाति के जज, जज का बेटा जज, जज का बेटा जज, वहाँ जो चार चार पीढ़ी, पांच पांच पीढ़ी से जज बनते आ रहे, उस पर आज तक सुप्रीम कोर्ट की नज़र नहीं गई। केवल ये जो बाबा साहब ने 1100 जातियों का एक समूह अनुसूचित जाति के रूप में बनाया, इसको बांटने के लिए वर्गीकरण लेकर के आए हैं। और माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वे कहीं न कहीं अपने इस आदेश में, कहीं न कहीं अपने इस आदेश के अंदर वे राजनीति कर रहे हैं, और अपनी राजनीति के तहत वे इस समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए वर्गीकरण को लेकर के आए हैं। और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं NDA प्लस इंडिया में, वे सारी की सारी इसके जो है साथ हैं, और वे सब चाहते हैं कि इन लोगों में फूट पड़े, इनमें संघर्ष हो, इनमें जातीय दंगे हों। इसलिए इस बात को रोकने के लिए माननीय बहन जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आदेश किया कि संविधान के दायरे में रहकर, अनुशासन में रहकर, प्रत्येक जिला कार्यालय पे जिला अधिकारी को ज्ञापन देना है और वर्गीकरण को बंद कराने का जो है मांग करनी है। स्थिति सरकार की खराबी है और दलित विरोधी सरकार है, लेकिन अब हम इतनी मजबूती में है कि हमारा एक मजबूत सिपाही जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं जी। तो अभी सरकार तो कह रही कि भाई हमने रोक लगा दी है, कोई कोटा नहीं होगा, केंद्र सरकार ने कहा है, आपको लगता है ऐसा कुछ, मतलब उन पर यकीन है आपको? ढाक के 3 पात, वो तो उन्हें यही कहना बस, और कुछ नहीं।
वो फॉर्मेलिटीज करना, कागजों में करना, बस और कुछ नहीं करना, जमीन पर कुछ नहीं करना, घोषणाएं करनी, घोषणाएं वो वहीं तक सीमित है। ये पहली तो बात, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं, लेकिन जो इन्होंने ये अहम फैसला लिया है हमारे लिए निर्णय बिल्कुल भी हमारे खिलाफ लिया है, हमारे हित में नहीं है। हम इसे बदलने के लिए भारत बंद किया गया, तमाम SC ST जो लोग हैं तमाम अपने अपने क्षेत्र में भारत को बंद कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो हमारा हक छीना जा रहा है उसे वापस पाने के लिए, तो मैं यही कहूंगी कि आगे कोई और भी सुन रहा है और नहीं पहुंच पाया, वो अपने घर पर ही रहकर सोशल मीडिया के द्वारा आरक्षण को पाने के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि हमारा हक है, अधिकार है, बाबा साहब ने बहुत कुर्बानी दी है इसे हम तक पहुंचाने के लिए, और हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। आरक्षण।